तो गाइज़ आज की सुबह हमारी यहाँ देखिए इतनी अच्छी लोकेशन पे हुई है और भगवान की दया से यहाँ पर थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी धूप भी निकल आई है। रात को बारिश भी हुई है यहाँ पर और लोकेशन आपको दिखाते हैं, ऐसी लोकेशन है। और रात को हमको लगी गर्मी यहाँ पे क्योंकि ऑल्टीट्यूड यहाँ का है आई थिंक 4500। और ये बर्तन धो दिए सुबह चाय वाय पी के, पानी हमारा ख़त्म हो गया, मोटर हमको धोखा दे चुकी, आधे बर्तन पड़े हैं, अभी पानी भर के लाएंगे। अभी हमारी तैयारी हो रही है, नाश्ता वास्ता तो नहीं करेंगे ना? फ्रूट ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट मतलब गाड़ी में होगा क्योंकि हमने अभी 100 किलोमीटर्स कवर करके किसी और दिशा में जाना है, तो वहाँ देखते हैं, एक लोकेशन देखनी कि वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जगह तो बढ़िया है बट क्या कहते हैं गर्मी ज़्यादा है क्योंकि ऑल्टीट्यूड कम है। तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि हम इस ट्रिप में अपने लिए कुछ घर की जगह भी ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसी सर्कल में बहुत रहे हैं, मुक्तेश्वर के सर्कल में भी बहुत रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं धारी गांव नाम की एक जगह है जो कि पड़ती है शायद चंपावती के पास पड़ती है, तो वहाँ का ऑल्टीट्यूड हमें पता लगा है कि बहुत अच्छा है और कैंपिंग लोकेशंस भी वहाँ पर बहुत अच्छी हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पर घूम चुके हैं। तो अभी एक हमें ऑफ़र आया है तो वहाँ पर हम लोग आज जाएंगे और कैंप भी करेंगे और अपने सपनों के घर के लिए लैंड भी देखेंगे। तो गाइस दिए गया अपना ड्रोन और यहाँ पे ड्रोन इसलिए उड़ाया है कि यहाँ सामने वैली व्यू बहुत अच्छा है भाई साहब। अब इसको करेंगे हाय हेलो, अभी इसको हेलो कर रहे हैं, अब इसको भेजते हैं जा हमारे लिए वैली व्यू ढूंढ के ला, बढ़िया सा सैर करके आ, अच्छी सी कैंपिंग लोकेशन भी लेकर आ। हाँ इसको भेज सकते हैं वैसे कैंपिंग लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए। तो वो गया भाई, अब ये गायब हो जाएगा, हमारे लिए कंटेंट ढूंढ के लाएगा। आर कैंपिंग लोकेशन फॉर टुडे, एक गांव के बीच में एक छोटा सा बुग्याल हमको मिल गया है जहां पे हम लैंड देखने आए थे उससे थोड़ा सा पहले। हमको यहां पे ये लोकेशन हम पहले देख गए थे बट हमने कहा पहले लैंड देख लेते हैं उसके बाद हम विल डिसाइड कि वेदर वी नीड टू स्टे हेयर और नॉट। और अभी अभी हम का या फिर सरपंच का नंबर मिल जाएगा, विल आस्क फॉर द परमिशन और आज की रात हमारी यहाँ बीतेगी। सो अब शुरू करते हैं अपनी मस्ती वाली भरी रात और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगी। व्यू बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, मतलब कि अ व्यू टू डाई फॉर। ये देखिए सामने पूरा वैली व्यू है, ये इस तरफ तो है ही है, अगर मैं ये बुग्याल के उस तरफ चले जाऊँ वो सामने, ये सामने जो नीचे है ये रोड जा रही है, ये देख सकते हो आपको मैं दिखाऊँ ये रोड जा, और उस सामने भी वैली व्यू है, थोड़े बहुत पेड़ हैं बट ऑसम 360 डिग्री आपको वैली व्यू मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा और शांति है, बिल्कुल भी शोर नहीं है। सिमरन की आँख पहले लात फूटी थी अब आँख फूट गई है, पता नहीं क्या हुआ और क्या काटा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि ये साइड से अगर आप देखोगे, रुको एक मिनट साइड देखो ये चीज फूली हुई है, क्या है पता नहीं, और ये आँख में जा रही है अब। तो इसीलिए हम लोग निकले हैं गांव के भ्रमण पे क्योंकि हमें पता लगा है कि यहाँ पे एक छोटी सी मेडिकल स्टोर है। आई डोंट नो वेदर दे कैन गिव मेडिसिन फॉर दिस और नॉट, कि अवेलेबल भी है कि नहीं है, बट हम ट्राई कर सकते हैं और थोड़ा सा गांव देखने का मौका भी मिल जाएगा। गाइस शाम के खाने की तैयारी हो रही है, यहाँ सोयाबीन, इधर चिपोले
और पोमोडोरो, इसका हम बनाएंगे इटालियन पास्ता। और ये है चित्रियोली, और ये पोमोडोरो, इसका हम बनाएंगे सैलेड को क्या कहते थे, इंसलाता, इसका बनाएंगे हम इंसलाता। अब जिसको समझ में आए, इंसल्ट को इंसलाता, इंसल्ट नहीं आ रही है, ऐसा मत कहो, इंसल्ट हो रही है इटालियन लैंग्वेज की, ऐसे नहीं, इंसलाता इंसलाता नहीं, इंसल्ट को कहते हैं इंसुलता, रियल जो लैंग्वेज है। तो माहौल कुछ ऐसा है, पानी आ गया, पानी ले लो। लो जी, इधर हमारे सरदार जी पानी लेके आ रहे हैं मेहनत करके। कितने किलोमीटर से आओ भाई साहब? 1 किलोमीटर। सही बात है, थोड़ा कम कर लो। वही बात होगी पहाड़ों वाली कि वही है, बस पास में ही है, पास में ही है। गिर जाएगी, गिर जाएगी। गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पास्ता कंचिपोला। पास्ता कंचिपोला, अब तुमसे कोई पूछेगा, कमेंट करो सब, इसी बहाने आप लोग कमेंट करोगे कि चिपोला क्या होता है। चिपोला क्या होता है, ये अब इनकी जिम्मेदारी है। सब कुछ इकट्ठे, जिसे हमारी मम्मी कहती है गतावा, नहीं इसको कहती है पास्ता कंचिपोला। पास्ता कंचिपोला वो मुदोरी है पेपरोंचिनी, सही बोला, दो सुनी पेपरोंचिनी है, दो बेसोनो पेपरोंचिनी, दो बेसोनो क्वेली 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 कोमे सी क्या मा वेर्दे, ओके क्वेली वेर्दे रोसो क्वेली सोनी पेपरोंचिनी। अब किस जिसको भी इसकी ट्रांसलेशन करनी है, गो टू गूगल, नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन पे बोल, लिख के बता, पूछो कि क्या था ये, फिर हम आपको बताएंगे। हमारे पास्ते का मसाला लगभग हो चुका है तैयार, और उसमें जा रहा है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हम पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो हमको नहीं पता है, और यहाँ पे हमारा पास्ता गया है बिल्कुल उबल। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, और यहाँ पे उबल रहे हैं वरुण के अंडे, मतलब मुर्गे के अंडे वरुण के लिए, क्योंकि उसका दिल था पास्ते के साथ अंडा खाने का। इसमें दो अंडे सनी जी के, हाँ इसमें दो अंडे वरुण के, हमारा तो एक ही है, मेरा भी एक ही है। तो हम टोटल 4 लोग 6 अंडे खाने जाएंगे। अनुपम जी का आज फास्ट है तो वो आज अंडे नहीं खाएंगे। नम्रता जी रेस्ट कर रही हैं, और हमारा पास्ता लगभग बनने को है। ये देखो, जाओ सीधे अंदर गुड मॉर्निंग करके। चलो, अब अनुपम जी ने कहा है कि उनका बेड सेटअप दिखाएं, तो उनका बेड सेटअप ये देखो। नम्रता जी शीशे में से झांक रही हैं, क्योंकि आज उनकी हो रही है कमर दर्द। आज हमने बहुत ड्राइविंग की है, बहुत बहुत बहुत, सपनों का घर के लिए बहुत ड्राइविंग की है। ये है अनुपम जी का बेडरूम, ये देखो आप, देखो ये है इनका बेडरूम, हमारा बेडरूम आपने देखा हुआ है। सो गाइस, हियर इज आवर पास्ता, बिल्कुल क्रीमी जूसी पास्ता पे हमने थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, लाइक पेरी पेरी एंड ऑरिगानो। आज मुझे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ हिंदी बोलने की दिल कर रही है। कर रही है? हाँ, ऐसे ही बोलता है अंग्रेज, तुमको पता है? हम अंग्रेज नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लड़का हमारा यूके से आया है तो हमने सोचा थोड़ा इसे वार्तालाप करें। यहाँ पंजाबी, तो इधर भी पास्ता चल रहा है, उधर पास्ता चल रहा है, दाल भी चल रही है, खिचड़ी भी चल रही है, और निकल गई अंग्रेजी निकल गई। और नम्रता जी को बहुत हंसी आ रही है मेरी इंग्लिश सुन के, मुझे भी आ रही है। बट अगर आपको मेरी इंग्लिश अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, नहीं लग रही है तो भी बताना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव।
गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात मित्रों। इस ऑसम सी लोकेशन में हमारी सुबह कुछ ऐसी हुई है जहाँ चारों तरफ बादल ही बादल है। आप कहीं पे भी कैमरा घुमा लो, आपको सिर्फ बादल ही नजर आएंगे और कुछ नहीं नजर आएगा। और ये डॉगी आ गए हैं यहाँ सुसु करने। हट जा सुसु, मत करियो टायर पे, हट जा, हटते ही नहीं है। उधर अनुपम जी नित्य कर्म करके वापस आ रहे हैं, बाकी सब मेंबर्स हो रहे हैं। और हमारे जवान गए थे पानी लेने के लिए, क्योंकि आज हमारा जो वाटर टैंक है नीचे वाला, उसने हमें बीच रास्ते में हमारा साथ छोड़ दिया है। तो आज हमारे जवान यहाँ पे नियर बाय 1 किलोमीटर से पानी लेकर आ रहे हैं, सो दैट हम सुबह सुबह के अपने नित्य कर्म कर सकें, सारे चाय पानी कर सकें और अगले अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर सकें। सो कितनी दूर था चौधरी साहब? 50 मीटर बस। मैं तो 1 किलोमीटर से मैं जी थी। नहीं नहीं, 1 किलोमीटर सुबह सुबह जाएंगे तो प्रेशर। हाँ तो अच्छी बात है ना वो तो। फिर तो ये आगे हमारी बाल्टी जो आजकल सुसु कर रही है, और हमारा वाटर जग भी फिर फुल हो गया। अब हम लग जाते हैं अपने नित्य कर्मों में और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइज, थोड़ा स्लोली करो, सबको दिखाएं क्या हो रहा है। देखो गाइज, इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में है, चौधरी साहब के हाथ में है आलू। हम अपने शीशों को आलू स्नान करा रहे हैं, क्योंकि कहीं इन्होंने एक हैक पढ़ा है कि भाई अगर आपको जैसे धुंध पड़ जाती है या आप नहीं चाहते कि पानी स्टे करे उसके ऊपर, तो एक स्टार्च की कोटिंग आप कर दो उसके ऊपर, तो पानी टिकेगा नहीं वहाँ पे। तो अभी फिलहाल पूरी गाड़ी है, देखो शीशे को भी आलू स्नान करा दिया गया और बाकी भी कर रहे हैं, उधर भी शायद हो रहा है आलू स्नान। मतलब जितने भी YouTube के हैक है हम सारे यही ट्राई कर डालेंगे। सुप्रभात मित्रों, और आज ये जो सुप्रभात है, आज हमारी ये लास्ट सुप्रभात है इस ट्रिप की, क्योंकि हम लोग इस बादलों के गांव को, प्लीज एक मिनट दिखा दो, बादल ही बादल है। तो आपने देखा कितने बादल हैं, सारी रात सारा दिन, मतलब अभी भी आई थिंक 9:15 बज गए, बादल ही बादल हैं इस गांव में। बारिश नहीं हुई, बारिश रात को थोड़ी देर 1 घंटा हुई थी। तो आज हमारी ये लास्ट डे है ट्रिप का। तो अभी हम लोग ढोली गांव है जो लोहाघाट साइड में पड़ता है, वहां पर थे। बिल्कुल ऑफ बीट गांव है, बट थोड़ा सा है कि यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी है, बाहर वाले आते हैं तो जाहिर सी बात है ऑफ बीट गांव है, जो लोग बाहर के क्या कहते हैं उसको, इंटरेक्शन कम होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट हमने परमिशन लेके यहां पर स्टे कर लिया। तो इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमको प्यार दें, ताकि हम और अच्छी अच्छी ऐसी बादलों वाली जगह में, जहाँ पे रोड कुछ ऐसी है भाई साहब, जाते रहें और आपको नज़ारे दिखाते रहें। और इसी तरीके आप हमारे साथ मीटअप्स के लिए भी जुड़ सकते हो, तो उसके लिए आप हमारे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।